बड़ी खबर आपको दिल्ली से बताते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी ने एनडीएमसी कमिश्नर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कमिश्नर वर्षा जोशी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आम आदमी पार्टी लाएगी। विपक्ष के नेता सुरजीत पवार का यह बयान सामने आया है। कमिश्नर वर्षा जोशी पर आप पार्षदों के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा है, जिसको लेकर अब आम आदमी पार्टी ने खुले तौर पर यह मोर्चा खोल दिया है एनडीएमसी कमिश्नर के खिलाफ। विपक्षी नेता सुरजीत पवार का बयान सामने आया है। कुलदीप शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गया। कुलदीप, खुले तौर पर अब आह्वान है कि मोर्चा खोल दिया गया है कमिश्नर के खिलाफ, और क्या कुछ कार्रवाई कर सकती है आम आदमी पार्टी? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से वर्षा जोशी को लेकर तमाम जो पार्षद हैं उनमें नाराजगी है, उसको लेकर कमिश्नर के खिलाफ आम आदमी पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है, और उसी घमासान में अब एक और नया चैप्टर इंक्लूड होने वाला है। जो आम आदमी पार्टी है जो एमसीडी के अंदर विपक्ष की भूमिका निभा रही है, उसने एक बड़ा फैसला किया है, और फैसला ये है कि वो हाउस में यानी सदन की बैठक में वर्षा जोशी जो नॉर्थ एमसीडी कमिश्नर हैं उनको हटाने के लिए एक दरअसल ये जो अविश्वास प्रस्ताव है इसको एक बहुमत की जरूरत पड़ती है। अगर बहुमत के आंकड़े की बात करें तो आम आदमी पार्टी के पास 64 जो पार्षद हैं उन वोट होना जरूरी है इस प्रस्ताव को पास कराने के लिए, लेकिन अभी जो हाउस में आम आदमी पार्टी के पार्षदों की संख्या है वो इस बहुमत से दूर है। लेकिन इसमें दिलचस्प बात ये है सपना कि सिर्फ आम आदमी पार्टी के पार्षद ही कमिश्नर की शैली से नाराज नहीं है, बल्कि जो कांग्रेस के पार्षद हैं उनके भी ऐसे ही आरोप है कि जो कमिश्नर है वो उनके काम कुलदीप नहीं इस पर बीजेपी के कमिश्नर की ओर से कोई सफाई आई है? नहीं दिखती है इस पर बीजेपी के कमिश्नर की ओर से कोई सफाई आई है? देखिए एमसीडी के कमिश्नर की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर कुछ ट्वीट किए गए हैं, और उसमें उन्होंने अपने आप को जस्टिफाई करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा है कि वो अपना जो काम है वो पूरी गंभीरता के साथ निभा रही है, और उनका ये भी कहना है कि ऐसा कोई इंसिडेंट अभी तक नहीं हुआ है कि उसने किसी काउंसलर को मिलने का वक्त नहीं दिया हो, जब चाहे काउंसलर उनसे मिल सकते हैं। लेकिन साथ ही उन्होंने इस चीज को भी लेकर अपनी लाचारी जताई है कि उनके ऊपर काम का बेहद प्रेशर है, तो ऐसे में हो सकता है कि कुछ मौकों पर वो पार्षदों को टाइम ना दे पाई हो, पार्षदों के काम को नोटिस ना कर पाई हो, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो अपने काम के प्रति पूरी तरीके से गंभीर है। लेकिन ये बेहद ही आप कह सकते हैं कि बड़ा मामला है कमिश्नर के खिलाफ, क्योंकि ऐसा अमूमन एमसीडी के अंदर बहुत कम होता है कि कमिश्नर को हटाने के लिए सदन की बैठक में कोई अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस और बीजेपी के कुछ पार्षद भी कमिश्नर की शैली से नाराज है। तो ऐसे में जब आने वाली आगामी सदन की बैठक में अविश्वास प्रस्ताव आम आदमी पार्टी की तरफ से लाया जाएगा तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि उस अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में कितने वोट जो है उस प्रस्ताव को मिलते हैं और कितने वोट जो है उस प्रस्ताव के खिलाफ जाते हैं। और आगामी 26 तारीख को ही सदन की बैठक बुलाई गई है, तो 2-3 दिनों बाद बड़ा दिलचस्प और बड़ी बात। चलिए कुलदीप, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे, क्या कुछ हलचल और वहां होती है और किस तरीके से प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की ओर से किया जाता है।